जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भाद्रपद शुक्ल पंचमी रविवार 23 अगस्त 2020 है। आज श्री चंद्रावली जी का उत्सव है। आइए आज के दिन की विशेषता और विशिष्ट भाव जानते हैं। आज श्री चंद्रावली जी का उत्सव है, जो राधिका जी की परम सखी थी। नील पीत के वस्त्र एवं ग्वाल पगा का श्रृंगार आज श्रीनाथ जी को धराया जाता है। वर्ष भर में यह श्रृंगार केवल आज के दिन ही धराया जाता है, जिसमें नीले रंग के हाशिया वाले पीले रंग के पगा वस्त्र और पिछवाई धराई जाती है। पगा पर नीले रंग की बिंदी होती है। श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गुसाई जी चंद्रावली जी का प्राकट्य स्वरूप माने जाते हैं। चंद्रावली जी का उत्सव स्वामिनी जी के उत्सव की भांति ही श्रीनाथ जी में मनाया जाता है। इस उत्सव को द्वितीय स्वरूपोत्सव भी कहते हैं। चंद्रावली जी का जन्म आज के दिन ब्रज में रिठोरा गांव में श्री वृषभानु जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री चंद्रभानु जी गोप के यहाँ माता सुखमा जी की कोख से हुआ था। आपका विग्रह सदा 14 वर्ष 4 मास और 20 दिन का माना जाता है। पुष्टि मार्ग में चंद्रावली जी दो स्थानों पर प्रत्यक्ष दर्शन देती है, ब्रज के गोकुल में प्रभु श्री गोकुलनाथ जी के साथ और राजस्थान के कामबन में प्रभु श्री मदन मोहन जी के साथ आप विराजित है। बरसाने से 2 किलोमीटर आगे रिठोरा गांव है। जब बरसाना से नंदगांव जाते हैं तो बाईं तरफ रिठोरा गांव पड़ता है। यहां चंद्रावली जी का के नाम पर एक सरोवर है, जिसे चंद्रावली सरोवर कहा जाता है, तथा श्री विट्ठलनाथ जी की बैठक है। श्री चंद्रावली जी श्री राधा जी की चचेरी बहन थी। वे इतनी सुंदर थी कि जब रात को बाहर निकलती थी तो चंद्रमा के प्रकाश का हरण कर लेती थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनका नाम चंद्रावली रखा। इन्होंने महारास के समय श्री कृष्ण को महारास में जाने नहीं दिया और अपने पास रोक कर रखा, जिससे महारास में विलम्ब हुआ। यह कहा जाता है कि इन्होंने महारास के समय श्री कृष्ण जी को महारास में जाने नहीं दिया और अपने पास रोक के रखा, जिससे महारास में विलम्ब हुआ। सभी सखियां गोपियां श्री कृष्ण के विरह में रो रही थी। श्री राधा महारानी से गोपियों की दशा देखी नहीं गई। उन्होंने चंद्रावली सखी पर क्रोध किया और राधा जी ने उन्हें सखी रूप से ठुकरा दिया। पहले स्वामिनी जी की 9 सखियां थी, चंद्रावली जी, विशाखा जी, ललिता जी, तुंग विद्या, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी, चंपक लता, इंदुलेखा। अब चंद्रावली जी का नाम इसी कारण सखियों में नहीं आता है। 8 सखी आई है, उनका नाम गोपियों में आता है। आपका स्वरूप गौर वर्ण है, अतः आज श्री जी में हाथी दांत के खिलौने और श्वेत वस्तुएं श्री जी के सम्मुख चंद्रावली जी के भाव से धराई जाती है। इसी भाव से श्री जी को आज विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोहर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज से राधाष्टमी की 4 दिवस की नौबत की बधाई बैठती है। श्री राधिका जी श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति है, आलादनी अर्थात आनंद देने वाली शक्ति। राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए ही उन्हीं से प्रकट हुई है, यही शुद्धाद्वैत है। श्री कृष्ण के लिए राधा तत्व ही कृष्ण का सुख है। जिस प्रकार श्री कृष्ण मूल तत्व है, अन्य सभी भागवत स्वरूप श्री कृष्ण का ही अंश है, उसी प्रकार हम सभी भगवत जन भी श्री राधा जी का ही अंश है, अर्थात हम सभी भी मूल में श्री राधा जी ही हैं, श्री स्वामिनी जी के स्वरूप ही है। कीर्तन में कहा भी गया है, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, जाहे पिया मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में यही कियो निर्धार, श्री सुख प्रकट कियो याते जानत सार कुसार, कोटि रूप धरे नंद नंदन तो न पायो पार, व्यास दास अब प्रगटत बखानत डार भार में भार। श्री राधा जी का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है, वह श्री कृष्ण को समर्पित है। राधा श्री कृष्ण से कोई कामना की पूर्ति नहीं चाहती है, वह सदैव श्री कृष्ण के लिए उनके आनंद के लिए उद्यत रहती है। इसी प्रकार
जब मनुष्य सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ कृष्ण प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वह राधा भाव को ग्रहण कर पाता है। कृष्ण प्रेम का शिखर राधा भाव ही है। तभी तो श्री कृष्ण को पाने के लिए हर कोई श्री राधे रानी जी का ही आश्रय लेते हैं। महाभाव स्वरूपात्वम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वान माम्यहम। कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं, इसीलिए वे राधिका हैं, राधा हैं। ये सदा कृष्ण की आराधना करती है, इसीलिए भी वे राधिका हैं। ब्रज की गोपियाँ और द्वारका की रानियाँ इन्हीं श्री राधा जी की अंश रूपा है। ये राधा और ये आनंद सागर श्री कृष्ण एक होते हुए भी क्रीड़ा के लिए दो हो गए हैं, यही शुद्धाद्वैत है। राधिका कृष्ण की प्राण है। इन राधा रानी की अवहेलना करके कृष्ण की भक्ति करना यदि कोई चाहता है तो वो कभी श्री कृष्ण को नहीं पा सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है, इसी कारण भक्तजन सीधी सादी भाषा में उन्हें राधा रमण कहकर पुनः पुकारते हैं। पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। इनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता है। आइए अब हम श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में पीले रंग की मलमल की पिछवाई धराई जाती है, जो रुपहली जरी की तुई लेस और मेघ श्याम रंग के हाशिए से सुसज्जित होती है। आज गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी ठाकुर जी को आज पीले रंग की मलमल का आसमारी रंग के हाशिए वाला पिछोड़ा धराया जाता है। दोनों वस्त्र रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित होते हैं। आज ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार में प्रभु श्रीनाथ जी को आज वर्णमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। ठाकुर जी को आज सर्व आभरण माणक तथा जड़ाव स्वर्ण के धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी के श्रीमस्तक पर पीले रंग का आसमानी रंग की किनारी और टिपकियों वाला ग्वाल पगा धराया जाता है, अर्थात पगा धराया जाता है या ग्वाल पाग धराई जाती है, तथा ग्वाल पगा के ऊपर चमकना टिपारा का साज धराया जाता है। टिपारा के मध्य में मोर शिखा होती है और दोनों ओर दोहरा कतरे होते हैं। इसके अलावा श्री मस्तक पर बाई ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री गोवर्धन नाथ प्रभु के श्री कर्ण में आज जड़ाऊ मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। प्रभु श्री गिरधारी श्रीनाथ जी के श्रीकंठ में श्वेत एवं पीले पुष्पों की दो सुंदर थाग वाली माला जी सुशोभित की जाती है। आज कली कस्तूरी और वेजंती माला भी धराई जाती है। श्रीकंठ में टोडर भी धराया जाता है। प्रभु जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी सुशोभित की जाती है तथा सोने के वेणु जी और दो वेत्री जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक लाल मीना के होते हैं और एक स्वर्ण के होते हैं। खेल के साज में आज पट पीला एवं गोटी बाघ बकरी की आती है। अन्य सब सेवा क्रम नित्य क्रमानुसार होता है। आज की राग सेवा आज के कीर्तनों में श्री चंद्रावली जी के और श्री राधा जी की जन्म की बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन बधाई कुंवर लली का गान होता है और राजभोग दर्शन में चंद्रावली जी के जन्मोत्सव की बधाई का कीर्तन होता है। आज चंद्रभान के बधाई, आज चंद्रभान के बधाई, सुखमा कुखी अवतरी कन्या घर घर बजत बधाई, नाम धर्यो चंद्रावली सुख निधि कोटिक चंद्र लजाने, बादो सुधी पांचे शुभ वासर अरुण हृदय रसमाने, सुनी वृंदावन नंद मन हरखे देखी अनुपम शोभा, कृष्णदास गिरधर की जोरी देखत रतिपति लोभा। आरती दर्शन में जो कीर्तन होता है वो इस प्रकार है। प्रकट भई शोभा त्रिभुवन की श्री वृषभान गोप के आई, अद्भुत रूप देखी ब्रज वनिता,
री जी के लेत बधाई। और शयन दर्शन में जो कीर्तन होता है वो है आज वृषभान के आनंद, आज वृषभान के आनंद, वृंदा विपिन विहारिनी प्रकटी राधा जो आनंद कंद। और पौड़वे के दर्शन में जो कीर्तन होता है गृह आवत गोरी गोपी जन, धन्य रानी जसमती गृह आवत गोपी जन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।